अगर हमें अभी कोई भी बोर्ड निकालना है, या आप बात करें डीसी बोर्ड, फेरी बोर्ड, एचवीटी या कंपोजिट पावर सप्लाई, एचवीटी और कंपोजिट पावर सप्लाई एक ही है। उसके बाद अगर हम पावर सप्लाई की बात करें, इसमें जो आप देख रहे हैं ये डीसी बोर्ड है, ओके। अभी जो सामने आप बोर्ड देख रहे हैं ये कैरी बोर्ड है, ओके। इस बोर्ड को पावर सप्लाई बोलते हैं। ओके, इस बोर्ड की बात करें तो इसे एचवीटी बोलते हैं। और इसके साथ साथ आप इसे कंपोजिट पावर सप्लाई भी बोल सकते हैं। सबसे पहले तो इसके कनेक्टर्स निकाल देने हैं। कनेक्टर निकालने के बाद बहुत ही आराम से ये कनेक्शन निकालना है। इस तरह हम इस बोर्ड को भी बाहर निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली आउट से आने वाला पावर इस जैक से कनेक्ट होके ये पूरे यूनिट में पावर सप्लाई करने का काम करता है। इस कनेक्टर से एचवीटी बोर्ड को पावर जाता है और अदर जो कनेक्टर्स हैं उनके, इस कनेक्टर से अगर आप देखेंगे तो आपका जो फिक्सिंग यूनिट है उसको पावर जाता है। ये सब कनेक्टर्स है, डी सी बोर्ड, फेरी बोर्ड और कुछ सेपरेट यूनिटों को भी पावर जाता है, ओके। कभी भी इनको निकालने से पहले और अटैचमेंट करने के बाद विशेष ध्यान रखने का कि इन्हें कनेक्टर को बहुत ही आराम से लगाया जाए और ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, नहीं तो ये शॉर्ट कर जाते हैं।